में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? मैं तब भी ये नहीं सोचा कि मैं या मैं आप क्या समझते हैं है, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? दिल में अपने दिमाग में बड़ा खुश आ रहा था मैं स्क्रीन पर काम करना स्टार्ट होगी पीछे तो उसकी ड्रेसिंग है उसके सवाल उसने प्लान करके चीज़ों को आना थी अल्लाह लेकुम नाजरन शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विस्जम में एक नए और मनफरद इंटरव्यू के साथ मैं मूँ आपका मेज़बान अली रहमान ख़ालिद नाजरन जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल करके कोई मकाम अचीव किया होता है यह बहुत मुश्किल होता है आजकल के दौर में कि आप डिजिटल मीडिया पर काम करें और अपना एक नाम बनाएं ऐसे ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने डिजिटल मीडिया पर काम किया और अपना एक अलग से नाम बनाया इसके साथ साथ ये बेशुमार पर्सनैलिटीज़ का इंटरव्यू भी कर चुके हैं और ख़बरों पे भी बड़ी नज़र रखते हैं रिपोर्टर भी हैं एंकर भी हैं और इसके साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं हम इनसे जानेंगे कि शोब सहाफ़त के इस वक्त दौरे हाज़र में क्या चैलेंजेस हैं और ये उसको कैसे देखते हैं और फिर डिजिटल मीडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो ए, उस पर इनकी ए, कैसी नज़र है असला तैयब सुलेरी साहब कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम आप बताएं कैसे सर, हैं अल्ला, अल्ला है। सर सर अल्लाह का शुक्र है मैं आगाज यहाँ से करूंगा जर्नलिज्म में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ और फिर आपने डिजिटल मीडियम को चूज करने का कब सोचा मेरी फैमिली में तो कोई सहाफी नहीं है कोई जर्नलिस्ट नहीं है तो टी वी देखा हुआ था चीजें के बड़े सीनियर साफियों को तो लेकिन मैंने तब भी ये नहीं सोचा कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा या मैं एंकर बनूंगा लेकिन अच्छा लग अच्छे लगते थे ये लोग मतलब मैं जैसे सैदी कर रसन साहब का प्रोग्राम सरेआम जो है वो बहुत देखता रहा हूँ बहुत शौक से कह लें इंटरेस्ट के साथ तो इसी सा, साथ स्टडी भी कंटिन्यू थी तो मैट्रिक के मैंने एग्ज़ाम दिए तो एग्ज़ाम के बाद फ्री था छुट्टियाँ थी तो इस दौरानिया में मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई मुलाकात इस तरह से हुई कि मेरे मामू जो हैं वो स्पेशल पर्सन है मैं आपको जहाँ से मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई मेरे मामू हैं वो स्पेशल पर्सन है और उनकी एक मोटिवेशनल स्टोरी है उन्होंने दस सब्जेक्ट मजामी में जो है वो मास्टर्स किया और पी एच डी की हुई और जिस यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर जो हैं वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं है। तो उनके इंटरव्यू के लिए एक जर्नलिस्ट आते हैं बुरहानुद्दीन उनका नाम है अभी वो पब्लिक टी वी में एज असाइनमेंट हेड है और उस वक्त में वो उर्दू पॉइंट पे एंकर थे तो इंटरव्यू के लिए आते हैं तो मैं चूंकि मामों के पास ही रहता था तो वो उस्ताद भी थे उनके पास पढ़ते भी थे तो शौक भी था तो उनके पास बैठा इंटरव्यू जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं वैसे मैंने उनको इंटरव्यू करते देखा उन्होंने कोई पाँच से छः घंटे गुजारे तो मैंने उनको इंटरव्यू करते हुए देखा उनकी बातें सुनी और ऑब्जर्व करता रहा कि क्या हो रहा है मेरे लिए वो पहला एक्सपीरियंस था कि किसी का इंटरव्यू हो रहा है या कोई साफी बैठा हुआ वो काम कर रहा है टीवी में तो जो आप स्क्रीन पे देखते हैं वो अलग चीज़ होती है लेकिन जब आप लाइव किसी को देख रहे हैं काम करते हैं तो मैं उनके काम करने से उनके सवालों से उनके काम करने के अंदाज से और उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी से कह लें मुता हुआ बहुत ज़्यादा मतलब आप किसी को देख के आपको लगता है ना बच्चे होते हैं ना स्कूल तक आपने वो एक मखसूस आपका दायरा कार होता है दोस्तों में उठना बैठना अकेडमी स्कूल घर वालदेन वही दोस्त था बाप तो चेंज था मैं एक नए बंदे को मिला और वो मुझे अच्छा लग गया मतलब मुझे उनकी शख्सियत ने मुतासर किया उन, उनकी गुफ्तगु ने मुतासिर किया कह लें उनका वे ऑफ टॉकिंग उनके सवाल और जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू करते हुए वो वो बातें मामू से जिनका वो इंटरव्यू कर रहे थे उनसे वो उगलवा लें या जो एक सहाफी का काम होता है कि दिल की बात जुबान पर लाना तो उन्होंने वो बातें उनसे निकलवाई जो कि तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे लगा कि यार क्या बात है ये बातें आज तक मेरे मामू इन्होंने मेरे साथ नहीं की लेकिन एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ उसने किस तरह से ये बातें निकलवा ली और मैं सुनता गया वो बातें कर रहे हैं और मैं और नई से नई और वो स्टोरी बना रहे हैं किस तरह से कि जो एक उनकी पूरी लाइफ स्टोरी सुन रहे हैं जी दस मास्टर्स हर एक जर्नी है पहला मास्टर्स कब किया दूसरा कब किया तीसरा कब किया और वो देखते जा रहे हैं और उनसे मतलब एक अपने मखसूस अंदाज़ में वो लिखते जा रहे हैं चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मुझे लगा कि यार ये ये क्या कमाल आदमी है ये मतलब कितना प्रोफेशनल मुझे वैसे अट्रैक्ट करता था तो मुझे लगा कि यार मुझे इस बंदे से कुछ सीखना है मतलब तब मैंने ये फैसला तो नहीं किया कि मैं साफी बनूंगी या मैंने सोचा नहीं कि मैं बन जाऊंगा लेकिन मुझे लगा कि मुझे इससे कुछ सीखना है ये मैं, मैंने, मैंने, मैंने एज अ उस्ताद कह लें एज अ मेंटोर चूज कर लिया अपने दिल में अपने दिमाग में तो लेकिन चूंकि मैं बच्चा था मैट्रिक के पेपर तक तो इंटरव्यू नहीं था किया हुआ तो मैं नहीं कर सकता था लेकिन मैंने क्या किया कि उस सारे दौरान मैं उनकी बातें तो देखता रहा मुतासर भी हुआ इंस्पायर हो गया तो मैंने ना एक हरकत की छोटी सी कि मैंने उनका माइक पड़ा हुआ था टेबल पर तो मैंने पकड़ के ना तो एक सेल्फी बनाई डर डर के कि मैं माइक पकड़ के कैसा रखता हूँ बच्चा था तो मैं बिल्कुल अब बिल्कुल स्लिम स्मार्ट था और वो दाढ़ी भी नहीं आई हुई है बिल्कुल तो मैंने पिक्चर बनाई और मैंने वो रख ली और अब भी मैं आपके साथ पिक्चर जरूर शेयर करूंगा तो चले गए मुलाकात हो गई लेकिन मैंने उनसे रही नहीं टूटने दिया सही। क्योंकि मैंने सोच लिया कि इनके साथ इनसे मैंने कुछ सीखना है सही बिल्कुल ऐसे इनको चूज कर लिया है और वो मुझे मतलब बच्चों की तरह बड़े प्यार से डील कर रहे हैं और अच्छा ठीक है जी आए चले गए होता मुमन ऐसी है किसी से मुलाकात होती है अच्छी मुलाकात हो गई है दो चार दिन दस दिन तस्करा अखबार खत्म लेकिन मैंने उस राबे को बहाल रखा जिसकी वजह से मैं आज जो है वो इस फील्ड में रहा सर मुझे ये बताइएगा कि शोबत में आप गए आपने बेशुमार लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए आप क्या समझते हैं कि आजकल जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े कहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही मैंने वो रहा रखा और उसके बाद फर्दर आगे जो है कि मैं इंटर किया और उनसे मैं फ़ोन पर वैसे मुलाकात भी करता रहा तो इस सारे सफर में मैंने उनसे उनसे के रिजल्ट के बाद इजहार किया कि मैंने भी ना एंकर बन है रिपोर्टर बन है

फ्यूल कहाँ से लोगे बाइक का घर से आना है, खाना पीना है, सारा दिन कैसे गुजारोगे तो मैंने अपने इस मामला मामला को चलाने के लिए कह लें मैंने उन्हें कहा कि मैं एडिटिंग सीखूंगा सही सो so, पहले पहले रिपोर्टिंग से पहले एडिटिंग सीखी एडिटिंग सीखी उन्होंने मुझे एक डिजिटल चैनल पे भेजा वहाँ पे मैंने एडिटिंग सीखी सीखने के बाद एक थोड़ा सा अरसा गुजरा छः सात माह जब मैंने एडिटिंग सीख ली मेरी वीडियो एडिटिंग पे न्यूज़ एडिटिंग पे ग्रिप हो गई तो मुझे शौक तो वही था जिस मकसद के लिए मैं आया हुआ था तो मैं एक दिन उनको बैठे बैठे कहा मैंने मैंने तो तो तरबूज जो एक मंडी में बहुत वायरल थी लाल लाले के नाम से कंटेंट काफी चल रहा था इंटरटेनमेंट का तो मुझे लगा ये आसान है मैं आसानी से कर लूंगा कोई तो बड़ी पर्सनैलिटी का डायरेक्ट इंटरव्यू करूंगा तो मैं पजल हो जाऊंगा मेरे लिए पहली वीडियो वो थी तो मैंने जाके लाले लाले वो तरबूज वाले का इंटरव्यू किया और मैं बड़ा खुश आ गया कि मैं आज से स्क्रीन पे काम करना स्टार्ट हो गया वहां से मैंने सफर का आगाज किया फिर उन्हीं लोगों के साथ सीखता सीखता उनसे एक एक मैं उनका शुक्र गुजार भी हूँ और मैं समझता हूँ कि अच्छे लोगों का मिल जाना बड़ी बात होती है आप एक किसी भी फील्ड में आते हैं सीनियर बर्दाश्त नहीं करता जूनियर को बिल्कुल उनको है। होता है कि ये कल को हमारे साथ आगे खड़े हो जाएंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे जिस तरह छोटे भाइयों के अक्सर लोगों को पता ही उनका छोटा भाई है ज्यादातर तो उन्होंने मुझे गाइड किया सवाल लिख के देने इंटरवो लिख के देना मतलब किसी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन कैसे देना है सवाल किस तरह करने हैं और एक्स्ट्रो कैसे होगा सारा इंटरव्यू का पैटर्न मुझे समझाना करते 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 मुझे बोलना आ गया चीजें आ गई मैं बिल्कुल ब्लैंक था जब आया था मैंने अल्फाज बोलने मेरी करेक्टर बिल्डिंग में मेरी पर्सनालिटी को डेवलप करने में उनका बड़ा हाथ है फिर उसके बाद ना उस्ताद तो मिल गया अब आगे लोग अच्छे होंगे दोस्त अच्छे होंगे तो काम हो पाएगा वरना अकेला बंदा मुझे कौन जानता है मुझे कौन इंटरव्यू देगा तो टीम बनती गई एहसन जफर साहब हैं अभी वो पब्लिक न्यूज में काम कर रहे हैं डिजिटल डिजिटल में एज एंकर रिपोर्टर और दो लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ

गलत मुझे फिर सिम अली शाह साहब की एक बात याद आती है मैंने उनकी अक्सर ये कोट करता हूँ कि गलत नहीं करोगे तो सही कैसे करोगे सही मतलब बिल्कुल परफेक्ट तो कोई नहीं होता गलत करोगे तो पता चलेगा कि ये गलत है फिर आप सही करोगे सो मैंने सीखा उनसे भी सीखा उनसे चूंकि दोस्ती वाला ताल्लुक भी था सीनियर्स वाला भी था तो उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया मुझे मैंने वहां से एडिटिंग सीखने के बाद अनस गोंदल तब बोल में थे उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया वॉइस ऑफ नेशन वहां पर मैंने

तो बाइक में फ्यूल डलवाएंगे तो इंटरव्यू करने जाएंगे ना सीखना काम इंटर्नशिप कर ली अब आगे इनकम कहाँ से आनी है ये सबसे बड़ा मसला हर डिजिटल क्रिएटर का हर नए रिपोर्टर का हर नए साफी का हर यंगस्टर का ये मसला कि आप कोई भी काम शुरू करेंगे पैसे कहाँ से आएंगे तो इस दौर में माँ बाप की दुआओं के बाद कुछ सीनियर्स की मतलब रहनुमाई के बाद अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अच्छी अच्छा रोजगार मिल रहा है हलाल तरीके से और लीगल तरीके से एक नंबर काम करके जिसे कहते हैं तो पॉजिटिव काम से तो वो ये बड़ी बात है ये चैलेंज सबसे बड़ा है हर रिपोर्टर के लिए कि वो जब नया आता है किसी फील्ड में एक तो उसके पास लोग नहीं होते जो उसकी रहनुमाई कर सके ना प्रॉपर ठीक है ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं वो एक अलग चीज़ है लेकिन प्रैक्टिकल में आपको कोई बताने का रवादार नहीं होता कि भाई आप यहाँ सही बोल नहीं रहे आप खड़े सही नहीं हो किसी को गर्जी नहीं है आपसे जो लोग कहते हैं अच्छा यार ये गलत कार अच्छा कर रहा है ठीक है फ्लॉप हो जाएगा लोग देख के खुश होते हैं ठीक है लगा हुआ है लोग मजाक उड़ाते हैं ठीक है वो जिसे पंजाबी वर्ड यूज करता है चेजा लगाना तो वो चेज़ा लगाते हैं तो ये सबसे बड़ी मुश्किल मैं समझता हूँ मैंने भी फेस की और हर आने वाला नया बंदा फेस करता है एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं दूसरा जो है वो आपको चीज़ों का शुरू में इजार नहीं पता होता तो आपको रहनुमाई की जरूरत पड़ती है लोगों की लेकिन मेरे साथ चूंकि अच्छे लोग मैं इस मामले में खुद को लकी समझता हूँ तो मुझे अच्छे लोग मिले तो मैंने मुझे उन्होंने अच्छा गाइड किया और मैं चल पड़ा और तो आज आपके सामने बैठा अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो आजकल uh, डिजिटल पे तो लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते यानी कि बहुत सारी उसमें चीज़ें ऐसी हैं बहुत सारे लोग जो अपने अपने चैनल्स को रन कर रहे हैं उसमें वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी दे देते दे हैं जो शायद जरूरी नहीं होती और उसमें uh, कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी भी होती हैं जो शायद सच भी नहीं होती तो आप इसको कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि इनके लिए कोई बनाना या कोई मिलिट्री अथॉरिटी को होना वो कितना जरूरी है ये आपने बढ़िया बात की है ये बहुत जरूरी है कि गैर जरूरी होने वाली तो बात ही कोई नहीं इसमें जैसे पेमरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उसने कंट्रोल किया हुआ है ठीक है ना जो एक एसओपी बन गई हर टीवी चैनल उसको फॉलो करेगा लेकिन कर हर रिपोर्टर हर जर्नलिस्ट उसको फॉलो करेगा कि उसकी ये हद हो ये चैनल की पॉलिसी है ये पेमरा की पॉलिसी है ये एसओपी है जो इसके अंदर आ काम करेगा वो काम कर सकता है दूसरा अगर वो नहीं करेगा तो वो नौकरी से फारिग है वो साफत से वो किसी अदारे में सर्वाइव नहीं कर सकता अब चूँकि यूट्यूब का दौर है फेसबुक का दौर है डिजिटल मीडिया का दौर है तो चूँकि आज़ादी भी है अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है ये एक बात बड़ी ज़रूरी है डिजिटल मीडिया के आने से अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है हम भी डिजिटल की पैदावार है हमने भी डिजिटल से काम का आगाज़ किया है ये एक अगर इसको पॉजिटिव तरीके से लेके जाया जाए तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप इस पर बहुत जल्दी जो है वो मेहनत करें और मुस्तकिल मिजाजी से काम करें तो आप आप कामयाब हो सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ ना मतलब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है लेकिन मैार गिर गया है वर्थ कम हो गई है आपके पास प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं आप नौकरियां बढ़ गई हैं ठीक है ना? लोग ज्यादा आ गए कंटेंट भी अब वो खत्म हो गया है डिजिटल का भी एक टाइम था कंटेंट का जब उर्दू पॉइंट और सिर्फ डेली पाकिस्तान दो या तीन चैनल से तो एक टाइम आया जी स्टोरीज मोटिवेशनल स्टोरीज इंटरेस्टिंग जो मतलब दिलचस्प चीज़ें होती थी वो हो गई ख़त्म हो गया उस चीज उस चीज़ का टाइम आया हर चीज़ का टाइम आता क्राइम स्टोरीज भी आती थी अब वो जो हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी जी आप मुलजिम का इं, इं, इंटरव्यू नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते वो ऐसा चीज़ तय हो गई तो चीज़ें अब कॉन्टेंट तो बनाना है अब यूट्यूबर इतने ज़्यादा हो गए हैं इतना वो मतलब कहते हैं कि पंजाबी च मिसाल देने के जी खिलाड़ा पै गया वो चीज हो गई है कि इतने ज्यादा लोग आ गए हैं और कंटेंट का म्यार नहीं रहा क्रेडिबिलिटी गिर गई है बिल्कुल जिसका जो दिल कर रहा है जिस तरह दिल कर रहा है वो कर रहा है मतलब एक रिपोर्टर आई आया एक एंकर है उसकी एक उसका एक तरीका तरीकाकार उसने आना है ना उसकी तैयारी है उसके पीछे उसकी ड्रेसिंग है उसके सवाल आते हैं उसने प्लान करके चीजों को आना है ठीक है ना वो ये नहीं कि घर से उठा टी शर्ट पहनी और आके स्क्रीन पर हॉर्टीट पर बैठ कर नहीं सर यूथ को आप क्या एडवाइस देंगे जो खास तौर पे मीडिया की फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आना चाहते हैं कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए आप क्या रहनुमाई करेंगे यूथ को जो नए आने वाले लोग तो तो मैं यही कहूंगा कि ना ही आए अगर आप पैसों के लिए आ रहे हैं अगर आप इसलिए आ रहे हैं कि आप मशहूर हो जाएंगे और आप स्टार बन जाएंगे वो ना आए ठीक है अगर आपके दिल से अंदर से काम उठ रहा है ना वो जिसको कहते हैं ना आपके अंदर से उठ रही है कि आपने करना है

हूँ या मैं साफी हूँ मेरी मुआरे में बड़ी बल्ले बल्ले नहीं नथिंग कुछ भी नहीं है अगर आप को काम सीखना है और आपको काम करना है हम नहीं मैं कह मैं खुद को भी, भी नहीं कहता कि हम जर्नलिस्ट हैं मैं कहता हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं हम सीख रहे हैं और सीखने के अमल सारी जिंदगी रहता है तो जो नए लोग आ रहे हैं वो अगर ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ बड़ा ग्लैमर है और शशके हैं प्रोटोकॉल है और बड़ा मज़ा है मज़े की लाइफ है पार्टी हो रही है जैसे मुश्किल है और इस चीज़ को समझना मुश्किल पहले फेस करनी पड़ेंगी उसके बाद आपको अगर काम आ भी गया है तो आप ये ना समझे कि मुझे काम आ गया आप सीखते रहते हैं ज़्यादा नई नई चीज़ें और अगर आप चाहते हैं कि जी मैं आकर कुछ सर्व करूं और अंदर से एक उठ रही है कि काम का शौक है है तो आए अदरवाइज़ आप कोई और प्रोफेशन को चूज़ कर लें सर आने वाले वक्त में आपके क्या गोल्स हैं आप खुद को कहाँ देखते हैं चंद सालों बाद और क्या करना चाहते हैं करना क्या है एक टारगेट होता है ना पहले एक टारगेट था छोटे छोटे टारगेट सेट कर मेरे उस्ताद मुझे जो कहते हैं छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसे अचीव करो टारगेट था साफी बन जाऊँ रिपोर्टर बन जाऊँ स्क्रीन पे आ जाओ आगे अब इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं बंदा तय करता रहता है और उसको हासिल करता है काम कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं इसको बेहतर करने की करना है बस मतलब एक चीज़ रिपोर्टर बन गया ख़त्म नहीं होगी जिंदगी खत्म नहीं होगी अब इसको मजीद आगे एक्स्ट्रीम लेवल पर लेके जाना है अच्छा काम करना है बाकियों में से घोड़े और गधे की पहचान जो होती है ना मतलब अगर हम फील्ड में आ गए हैं ख़त्म नहीं होगी अब इसको इम्प्रूव करना है मतलब कुछ सर्व करना है और कुछ अच्छा करना है और बेहतर करना है जिससे हमारे माशरा जो है ना वो बेहतर हो इसलाह और अच्छा काम पॉजिटिव काम करना है सही। ए, सर कासिम अली शाह साहब के काम को आप कैसे देखते हैं कासिम अली शाह साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे कोई लोग उनको जानते हैं कोई उनको कहता है जी ये उस्ताद हैं कोई कुछ कहता है कोई टीचर्स कोई, कोई कहता है जी एक फाउंडेशन को चला रहे हैं हर बंदे की अपनी अपनी राय है मैं समझता हूँ कि जो वो काम कर रहे हैं ना वो भी एक ट्रेंड सेटर है मतलब उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया अब हर बंदा जिसको दो चार बातें आ गई हैं या दो चार लेक्चर सुन गए हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर बन शाह एक ही है से... उसकी क्लास है उसकी वजह ये है कि वो जो बात कहते हैं वो रिसर्च करके और वो लॉजिक के साथ बात करते हैं कासिम अली साहब की बात सुन रहे हो ना तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी बात सुनता सुनता बंदा रुक जाता है उनकी बात दिल करता है कि बंदा सुने क्योंकि वो बात दलील के साथ और लॉजिक के साथ करते हैं और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म आज हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं हम ये, हमें लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं इस तरह वो लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं और लोगों तक एक पॉजिटिव चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं जहाँ इतने मसाइल हैं मुल्क में प्रेशर है मसले मसाइल हैं इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे एक, एक लोगों में एक ना उम्मीद और एक पॉजिटिव चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं और लोगों के लिए एक में है और लोग सीख रहे हैं इनसे सर आपने डिजिटल मीडिया पे बेशुमार लोगों के इंटरव्यूज़ किए मैं चाहूँगा कि टॉप फ़ाइव जो इंटरव्यूज़ हैं ना जो ऐसे लोग जिनको आप ए, समझते हो कि ये मेरी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इनका इंटरव्यू करना वो कौन लोग वैसे तो बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं मतलब मैं चूंकि आजकल इलेक्शन का दौर है तो पोलिटिकल इंटरव्यू जैसे सियासी शख्सियात हैं लतीफ़ खोसा साहब हैं और मुख्त सियासतदान हैं ता साहब हैं मतलब इस तरह से मुख्तफ सियासतदानों के इंटरव्यू तो किए हैं लेकिन जो आपने कहा जी जो मुझे था कि मुझे इंटरव्यू करके लगा कि ये मेरी अचीवमेंट है वो सैयद हसन साहब का इंटरव्यू था अच्छा क्योंकि वो एक उनको दे, देखा करते एक पर्सनैलिटी एक होता है ना कि आप देखते हैं टीवी पे यार कमाल आदमी है मतलब मैं उनको मैं, मेरे पसंदीदा साफ़ी थे मतलब जो बड़े नाम हैं उनमें से मेरे वो एक पसंदीदा थे तो मैंने जिस दिन उनका इंटरव्यू किया मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं उनसे जब भी मिलू इस तरह ना मिलूँ कि एज अ फैन बस वो इग्नोर होता है ना कि बस मेरे यदि सेल्फी बनाई और खत्म नहीं मैं चाहता था कि मैं उनसे मिलूँ और एक गुफ्तगु और एक मुलाकात वो अच्छी जिसमें वो मुझे मेरी उनसे बातचीत हो और वो मुझे जाने मैं उन्हें जानूँ एक इंटरव्यू की तरह मैंने सोचा था कि मैं जर्नलिस्ट बन गया तो मैं इनका इंटरव्यू करूंगा और मैंने रिसेंटली किया तो मैं इंटरव्यू करने के बाद आपको जो खुशी फील होती है कि मैंने ये अचीव कर दिया मैंने ये सोचा था कि आज से दो साल पहले चार साल पहले कि मैं एक सही से मिलूंगा आज मैं उसका बैठकर इंटरव्यू कर रहा हूँ ये एक मेरे लिए प्राउड की बात है बहुत बहुत शुक्रिया तैयब सुहैरी साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला और यकीन आपकी गुफ्तु से बहुत कुछ सीखने को मिला खास तौर पर जो सहाफत में आना चाहते हैं डिजिटल मीडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं आपने बड़ा क्लियरली उनको बताया कि ये फील्ड असल में क्या है और अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है तो आप इसमें आएँ नाजी मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत फ़ायदा हुआ होगा इसके साथ ही इजाजत दीजिए इन शाला दोबारा हाजिर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ तब तक के लिए अल्लाह